गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गैस पाइपलाइन का कार्य खुटी से लेकर चतरा तक किया जा रहा है, लेकिन 2019 से किसानों के जमीन को बर्बाद कर दिया गया और काम भी अधूरा छोड़ दिया गया और न ही किसानों को मुआवजा मिल रहा है। आइए देखते हैं जिला चतरा प्रखंड कन्हा चट्टी पंचायत राजपुर ग्राम राजपुर से एक रिपोर्ट। समस्या हम लोग तमाम किसान लोग का है कि जो बीते वर्ष गेल इंडिया कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन वाला काम हुआ है वो अभी तक अधूरा है, हम लोग का जमीन बर्बाद हो चुका। हम ये काम कब से शुरू हुआ था? ये करीब करीब एक साल पहले ही काम शुरू हुआ था। तो आप लोगों का कितना जमीन बर्बाद हुआ? मेरा कम से कम भी बर्बाद हुआ है तो लगता है 10 कट्ठा के लमसम में। तो आपको कितना नुकसान हुआ? मेरा ये एक साल में कम से कम खेती में नुकसान हुआ है तो 30-35 हजार रुपये नुकसान हुआ। आपको मुआवजा मिला था? एक बार मुआवजा मिला था जिस समय गैस पाइपलाइन बैठ रहा था उस समय, और फिर बोला गया था कि नहीं से धान का मुआवजा धान के समय मिल जाएगा। तो अभी आपको मुआवजा नहीं मिला है? नहीं मिला, हम लोग को मुआवजा कुछ नहीं मिला है। अब क्या क्या खेती करते हैं इसमें? अभी तो धान का करते थे और उसके बाद तुरंत अभी प्याज लहसुन ये सब का हम लोग खेती करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग का जो मुआवजा है और खेत हम लोग का जो बर्बाद हो गया है हम लोग को जैसा खेत था वैसा हम लोग को कर दिया जाए। समस्या ये है कि गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कार्य किया गया था जो अधूरा रह गया और हम किसान भाइयों को काफी नुकसान इसमें हुआ है। कब से काम शुरू हुआ था? काम पिछले वर्ष हुआ था शुरू। तो आपका कितना जमीन बर्बाद हुआ? मेरा जमीन तो 10 कट्ठा के आसपास में बर्बाद हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ आपको? 10 कट्ठा में करीब करीब 60 हजार रुपया। किस चीज का खेती करते हैं आप? पहले तो अब पहले धान की खेती होती थी, अभी तो फिलहाल प्याज हो गया और गेहूं वगैरह का खेती होता था और होगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी नुकसान जो हुई है वो गेल इंडिया के द्वारा मुआवजा मिले हम किसान भाइयों को। यूपी के किसानों का भी यही समस्या है जो मेरे साथी रविंदर ने अपने वीडियो में कवर किया। मैंने किसानों की समस्या पर बदलाव लाने के लिए समुदाय के साथ बैठक कर कंपनी के अधिकारी से मिलना चाहा, पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में उनका मुआवजा मिल जाएगा। आगे मैं राजस्व विभाग से भी संपर्क करूंगा। अगर आप लोगों के पास भी इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आपको अपडेट करेंगे। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से इंडिया अनहर्ड के लिए।